अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग ज़रूर बताइएगा। और बहुत दिनों के बाद एक न्यू व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि गूंगे हैं। वैसे तो वो बोलते हैं मगर वो कमेंट नहीं करते, और उनका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छा लगता है, एक मैसेज कन्वे हो जाता है, हम आपस में बात कर सकते हैं, तो ज़रूर किया करें। तो आज नाश्ते में मैं पैनकेक्स बना रही हूँ सिंपल से, और इसमें मैंने अंडा डाला था, चीनी डाली थी, दूध और आटा, जो कि घर में आप जो भी यूज़ करते हैं वो आप डाल सकते हैं। सराइकी में तो हम इसको चिलड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। वैसे बेसिकली ये चावल का बनता है और ये बहुत अच्छा होता है। मुझे चावल के आटे वाला जो है वो उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे गांव में ज़्यादातर जैसे मकई का आटा आता है, उसी तरह से चावलों के सीज़न में जब धान वगैरह सारी कट जाती है, फसल आ जाती है चावल की, तो फिर वो स्पेशल आटा भी बनता है और लोग ख़रीदते भी हैं और सौगात भी देते हैं एक दूसरे को। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इसको मीठा पसंद करते हैं। इसको आप नमकीन भी बना सकते हैं, इसमें आप सेम यही चीज़ें डालें। अंडे को आप चाहें तो स्किप कर दें और चीनी को स्किप करें, नमक डालें और इसको आप बना लें। लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा जी, तो बाकी सारे काम तो हो गए, वो मैंने आपको नहीं दिखाए। आज जो है ना, मैं जल्दी से लंच बना रही हूँ। मैंने बनाई है दाल, घर में कुछ भी नहीं था, आज सारी चीज़ें ही ख़त्म हैं। आप हरी मिर्चों से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मुन्नी मुन्नी पड़ी हैं, मुन्नी से साइज़ की। तो मैं बस दाल बना रही हूँ और इसके साथ ये करूँगी कि मैं चावल बॉईल करूँगी। वो इसलिए कि मैंने आज कहीं जाना है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ कि मैं कहाँ गई थी और मैंने कुछ ख़रीदना था। तो लहसुन आप देख सकते हैं, ये लास्ट है अदरक लहसुन पिसा हुआ। इसके बाद अब मैंने इसका पेस्ट बना के नहीं रखना, माह रमज़ान में अच्छा लगता है, और वैसे आम रूटीन में मैं इसको पीस के नहीं रखती। तो ये जो है ये लास्ट है, इसको मैंने यूज़ कर लिया जब मैंने पहले इसको बना के रखा था। वैसे मैंने थोड़ी क्वांटिटी में ही बना के रखा था। तो चने की दाल के साथ राइस का कम्बिनेशन मेरे ख्याल में होता नहीं है, बहुत कम लोग इसको खाते हैं, मगर मैं खा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे चने की दाल वाले चावल भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं और वो बहुत मज़े के बनते हैं। जिस तरह से हम चने के साथ चावल बनाते हैं, इसी तरह से आप चने की दाल वाले राइस बनाएं तो वो भी बहुत मज़े के बनते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो जी, यहाँ पे तड़का मैंने लगा लिया, झटपट से मैं खाना बना रही हूँ कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मैंने हस्बैंड के साथ कहीं जाना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान कोई भी ख्वाहिश करता है, अगर वो जायज़ ख्वाहिश है तो अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करता है, और इस बात पे आप ईमान रखें और यकीन रखें। एग्जांपल मैं आपको ये दे दूँ कि अगर कोई बहुत ही महंगी चीज़ है और आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और आपका दिल चाहता है कि वो आपके पास हो, चाहे कोई ड्रेस है, कोई भी चीज़ है, तो आप ख्वाहिश रखें और अल्लाह ताला से कहें कि या अल्लाह मुझे ये चीज़ आप ज़रूर दीजिएगा, अभी नहीं तो कल, कल न सही तो अगले साल नहीं तो उससे अगले साल। मगर ये है कि ख्वाहिश होनी चाहिए, और जो जायज़ ख्वाहिश होती है अल्लाह ताला जल्दी या देर से ज़रूर पूरी करते हैं, और आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको मिलता है, ये मेरा यकीन है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये होता है कि आपके एक्सपीरियंसेस भी बढ़ते हैं। तो अब जो है मैं सोचती हूँ कि पहले जब अम्मी अब्बू
कोई भी बात बताते थे या बड़ा कोई बात बताता था तो वो कहते थे कि ऐसा भी होता है। तो इंसान कभी कभी सोचता है कि नहीं, ऐसा कहाँ होता है भला जो ये बात बता रहे हैं कि ऐसा भी होता है। तो लाइफ में अब मैंने इतना कुछ देखा है कि मैं आपको कहती हूँ कि वाकई लाइफ में बहुत कुछ होता है, रिश्तों में और रिलेशन में, ज़िंदगी में, हालात में। इंसान को हर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। बस आप ये सोचें कि जो होगा बहुत अच्छा होगा और अल्लाह ताला ने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, बेस्ट लिखा है आपकी लाइफ में। तो बातें बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई, हम जी पहुँच चुके हैं यहाँ पे, हम आए हैं, हम कहाँ पहुँच चुके हैं ये मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे पहुँचे हैं। और काफ़ी टाइम से मेरी ये विश भी थी और मेरी ये ज़रूरत भी थी, तो यहाँ से मैं कुछ बाय करने आई हूँ। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। आइडिया आपको थोड़ा बहुत हो गया होगा क्योंकि बहुत से चालाक लोग भी हैं यहाँ पे जो हर चीज़ समझ जाते हैं। तो मैं ये किसको कह रही हूँ, ये मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, ये मैं उनको कह रही हूँ। तो ये कि मेरी ये ज़रूरत भी थी और ख्वाहिश भी थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल बनाया कि मैंने ये ले सकूं। और एक और बात आपको मैं बताऊं, मज़े की बात है कि जब मेरी शादी हुई, शादी से पहले मैं कोई कभी भी शॉपिंग करने नहीं जाती थी, जो भी चीज़ें लाती थी मेरी बड़ी बहन और मेरी अम्मी लाती थी। फिर ये हुआ कि मेरी बड़ी बहन की शादी हुई और सारी चीज़ें ज़ाहिर है फिर मैंने ही करनी होती थी, तो मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग खुद की। तो ये होता था कि मेरी अम्मी हर चीज़ को देख रही होती थी और मुझे इस बात पे चिढ़ चढ़ती थी कि लो जी देख लेना है नहीं, और ये सूट भी देख लिया, वो सूट भी देख लिया, ये चीज़ भी देख ली, वो चीज़ भी देख ली, तो अब मैं भी देखती हूँ। इससे क्या होता है कि आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, आपको आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ कैसी थी, डिज़ाइन कैसा था, और फ्यूचर में ऐसा हो जाता है कि आपको वो चीज़ लेनी पड़ जाती है। तो अब मैं भी वैसे ही चीज़ें देखती हूँ, फजूल में नहीं देखती, मगर हाँ सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व ज़रूर करती हूँ। तो हाँ जी, मैंने ख़रीदी है हायर की फुली ऑटोमेटिकली मशीन, और ये जो है हमने इधर बहावलपुर से ही ख़रीदी है। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पास अलग से स्पिनर नहीं थी, और मेरे हस्बैंड कहते थे कि मैं आपको स्पिनर दिला देता हूँ। स्पिनर होती है, ड्रायर होती है, ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मैं तो भई सादा सी बंदी हूँ, इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करती। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड कहते थे वो मैं आपको दिला देता हूँ, मगर मैं कहती थी नहीं, मैंने एक ही दफ़ा लेनी है और अच्छी चीज़ लेनी है, तो आप मुझे ये दिलाइएगा फुल ऑटोमेटिक मशीन। तो जी आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ख़रीदी है, 8.5 केजी की है। इसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें 8 केजी की होती है, 8.5 केजी की होती है, और इसके बाद 9 केजी की होती है, 12 केजी की और 15 केजी की। तो मैंने सारी मालूमात ली उनसे कि किस मशीन का क्या फंक्शन है। चीज़ें बेसिक होती हैं, सारी सेम होती हैं कि इसमें ये स्पिन भी करेगी, रिंस भी करेगी और वॉश भी करेगी कपड़े। तो सारे ऑप्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं, मगर जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है तो इसके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं। तो जी 8.5 केजी के बाद जो 9 केजी की मशीन थी, तो उसमें 10,000 का फ़र्क था प्राइस में। तो मैंने यही ख़रीदी है, मुझे फैमिली के हिसाब से यही बेस्ट लगी है क्योंकि ज़्यादा चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं था, फंक्शन सारे एक ही थे, सेम थे, बस साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क था। तो मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरे लिए ये बेस्ट है। इसका मैं आपको रिव्यू भी दूंगी और इसका यूज़ भी बताऊँ।